नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और चुनाव की प्रक्रिया में एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है, एक एक करके हम सभी प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत पिपराइच में, जो गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है, गोरखपुर जिले अंतर्गत आता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड संख्या 16 के भरत भूषण मधेसिया जी। हम बात करेंगे, चूँकि वार्ड संख्या 16 के सभासद प्रत्याशी हैं, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और जाने से पहले मैं बता दूं कि ये लगभग तीसरी बार चुनाव में आए हैं और लगभग तीन बार से पार्षद पद के उम्मीदवार रह के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, और महज कुछ वोटों के अंतराल से पराजित होते आ रहे हैं। और इस बार हम जानेंगे जनता की रुख क्या है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे, चूँकि आपको देखा गया कि तीन बार आप इस बार तीसरी बार चुनाव में आ रहे हैं। जी, जी, जी। दो बार से आप चुनाव हारते चले आए मज कुछ वोटों से जी। क्या लगता है इस बार जनता का इरादा क्या है? इस बार जनता पूरी समर्थन के साथ मेरे साथ खड़ी हुई है। कारण यह है कि लोगों ने हर चीज़ देख लिया। लोगों ने जो भी आज तक चुने गए लोग हुए हैं, सिर्फ अपना काम किए हैं, वार्ड के विकास से संबंधित किसी का कोई पर्सनल काम है उसमें कभी हाजिर नहीं होना है, केवल वो आते हैं बस चुनाव के टाइम। और तमाम सारी समस्याएं कुछ जगह ऐसी हैं जहां वो आज तक 5 साल में देखने भी नहीं गए हमारे वार्ड के सभा। आप एक प्रत्याशी हैं, चलिए वो तो पूर्व की बात रही, अब फिर से आप एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं। इस समय आप नगर वार्ड संख्या 16 में चल रहे हैं, तो क्या समस्या देखने को मिल रही है? नगर में बहुत सारी समस्या है, जबकि हमारे वार्ड नंबर 16 में तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए जो बुज़ुर्ग हैं, जो सरकारी पात्रता के एकदम करीब है, उनको कोई सरकारी क्योंकि कुछ उनको बताने का फुर्सत नहीं है कि हाँ ये सरकारी स्कीम है, इसका लाभ उठाइए। तो यही सारी समस्या है जिसकी वजह से हमको फिर से एक बार मैदान में आना पड़ा। क्या लगता है कि जनता को चुनने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? शिक्षा की बात की है तो सर, मैं जानना चाहूँगा शिक्षा आपकी कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ, स्नातक कम्प्लीट है मेरा। और स्नातक कंप्लीट करने के बाद आप, ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं राजनीति में नहीं जाना चाहिए, आप राजनीति में आने का रुख कैसे तय किया, आपका कैसे राजनीति में आना हुआ? राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद ये था कि लोगों को अपनी शिक्षा और अपने काम से उनको प्रेरित करें कि आप भी जानिए आपका हक क्या है। और राजनीति में आने का मेन चीज़ यह है कि जब भी किसी कचरे को साफ़ करना है तो आपको मार्केट उस कचरे में उतरना पड़ेगा, यानी कि राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे कचरे हैं जिसको साफ़ करने के लिए जी। क्या जनता शिक्षित लोगों को पसंद कर रही है, जैसे आप एक शिक्षित हैं? इसके पहले तो लोगों ने जो करके देख लिया उनको महसूस हो गया, क्योंकि आज भी जो भी आज सरकारी योजनाएँ चलेंगी वो सारी सिस्टम से चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी होगा वही ना समझेगा, अब जो पढ़ाई लिखा नहीं होगा उसको सरकारी योजना के बारे में नहीं पता चलेगा, ना तो वो किसी का ऑनलाइन कोई काम कर पाएगा। यानी कि आपके अनुसार से नगर वार्ड यानी 16 संख्या में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है शिक्षा के अभाव में। हम आपसे बात करेंगे, अगर आप वार्ड संख्या 16 के सभासद होते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे मुख्य चीज़ है कि लोगों को जो नगर पंचायत पर दौड़ना पड़ता है अपने सभासद के अनुभव मतलब अनुपस्थिति में, वो समस्या हम दूर कर देंगे। हम अपने वार्ड में अपने वार्ड के लोगों की जो भी समस्या होगी उसे कोशिश करेंगे कि उसको अपने ही पास से उसको कहीं दौड़ना ना पड़े। सारी जो भी उसकी समस्या है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई भी नगर पंचायत में काम है तो सभासद प्रतिनिधि है तो उसका जिम्मेदारी उसको करना चाहिए। आपकी बातों को जनता समझ पा रही है? एकदम समझ रही है। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? पैसे की कोई बात नहीं है, जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से पैसा खर्च, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ता जाएगा पैसा खर्च करने के लिए वैसे खर्च होते जाएंगे। लोगों का ऐसा विश्वास है मेरे वार्ड के लोगों का कि आप कुछ ना करिए तब भी आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि उन लोगों राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मोटी रकम आती है, तो कितना पैसा कमाने का उम्मीद है? ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद का भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कारोबार है, बिजनेस है, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है। और चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो केवल अपने शौक से, यानी पैसे कमाने के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लोगों की सेवा भाव है, लोगों की परेशानियों को देखते हुए हमको मैदान में उतरना पड़ा। अंत में बात करेंगे, चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनता का आरोप रहता है कि नेताजी लोग जब चुनाव रहता है तो बड़े आराम से मिल जाते हैं, सहजता से मिल जाते हैं,
जैसे चुनाव जीत जाते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरा स्वयं का एक जनसेवा केंद्र भी है, तो मेरे यहाँ वार्ड के जितने लोग आते हैं, 5 सालों में मैंने जितने भी अपने वार्ड के लोग आए हैं उनका सारा काम किया है। उनको अगर कोई मतलब किसी तरह की कोई असुविधा हुई है तो कचहरी से लेके हर का जो भी समस्या थी, लेखपाल की समस्या हो, कोई रिपोर्ट की समस्या, वो सारा काम उनका अपने स्तर पे मैंने भरपूर किया है। हम बात करेंगे अभी तक हमने अपने वार्ड में क्या क्या किया है, कुछ किया है सार्वजनिक काम जनता के लिए, युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, क्या किया सार्वजनिक काम में? जैसे मान लीजिए हमारे वार्ड में बुज़ुर्ग हैं कुछ, उनका पेंशन हुआ, आयुष्मान कार्ड सरकारी योजना से बन रहा था, तो वो सारी स्कीम सारे लोगों का बुला बुला के उनको अपने दुकान पे ही बनवाए। और इस समय सरकारी स्कीम के तहत जो श्रम कार्ड वगैरह जो भी बना है, मैं जाके घर पे पर्सनली लोगों से कहा और सारे लोगों को बुला बुला के उनका जो भी लाभ मिलना था सरकारी योजना का, उसे मैंने लोगों तक जागरूक किया, उसको पहुंचाया और कोशिश ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग उसके पास मतलब। चुनाव में क्या बंटवाने वाले हैं, साड़ी, पायल, क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे वार्ड के सभासद कभी वार्ड में जैसे एक्टिव रहते नहीं हैं, यानी विकास नहीं हो पाता है। अंत में हमारे चैनल के पास अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने तमाम 16 वार्ड की संख्या को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने वार्ड नंबर 16 विवेकानंद नगर के सभी मतदाताओं को एक बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी आप लोगों ने समस्याएं देखी, चाहे वो नगर पंचायत स्तर पर हो या फिर कोई सरकारी काम के संबंधित हो, वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार शिक्षित व्यक्ति को जो है मौका दिया जाए, ताकि फिर भविष्य में आपको वो सारी समस्याएं देखना ना पड़े। तो धन्यवाद इस वार्ड नंबर 16 के सभासद प्रत्याशी हमारे साथ भरत जी हमारे साथ उपस्थित रहे और जिन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 16 के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं, कई वर्षों से चुनाव लड़ते चले आए हैं और शिक्षित हैं। अगर हम वार्ड संख्या 16 के सभासद होते हैं तो वार्ड संख्या 16 को एक आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे और विकास की राह पे लाने का काम करेंगे। तो ऐसे के लिए बने रहे फास्टर प्लस में। धन्यवाद।